सो है गाइस, कैसे हो आप? सो वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। बाकी बात करें रेगुलर अपलोड्स की, तो आपको नेक्स्ट मंथ से रेगुलर रोम रिव्यूज़ के वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल बात करें इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैफ बेस्ड एंड्रॉयड 12 एल के एक रोम के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट 404। तो इस रोम पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कैफ बेस्ड रोम परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, और इस वीडियो में मैं बात करूँगा ये परफॉर्मेंस के बारे में, गेमिंग वगैरह कैसा है, मैं सभी चीज़ इसमें बताऊँगा। बाकी बात करें होम स्क्रीन में, तो अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो आपको मिल जाता है गूगल का फीड, और इसमें आपको मिल जाता है नया वाला रिसेंट मेन्यू, जो कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि रिसेंट वाले मेन्यू इसमें आपको नया वाला मिल जाता है। बाकी आप ऐप क्लोजिंग एनिमेशन भी देख सकते हो, अगर आप रिसेंट से कोई भी ऐप रिमूव करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक और नया चीज़ देखने को मिल जाता है, आपको इसमें कोई भी ऐप अगर आप ओपन करते हो तो नीचे आपको टास्क बार देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके डॉग्स के जितने भी ऐप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस चीज़ को चाहो तो इनेबल कर सकते हो, चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। होम स्क्रीन पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो होम सेटिंग में जाके आप इन दोनों को बंद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो गूगल का फीड भी बंद कर सकते हो। बाकी कुछ आपको बेसिक सेटिंग्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल बात करें लॉन्चर की, तो आपको इसमें पिक्सल लॉन्चर देखने को नहीं मिलता, आपको इसमें प्रोजेक्ट 404 का लॉन्चर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेल्फी कैमरा कटआउट की, तो आपको इस रोम में थोड़ा बड़ा सेल्फी कटआउट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सारे रोम्स में फिक्स कर दिया गया, आपको स्मॉल कटआउट देखने को मिलता है, पर इस रोम में आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर रोम के क्यूएस पैनल की, तो आपको इस रोम में बेसिक सा ही क्यूएस पैनल देखने को मिल जाता है, कुछ ज़्यादा आपको इसमें टाइल्स देखने को नहीं मिलते हैं। फिलहाल आपको FPS इन्फो का टाइल देखने को मिल जाता है, और आपको इसमें ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन रिमूव करने का जो कि हेडसअप वाला टाइल है वो भी देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको डाटा यूसेज भी देखने को मिल जाता है। तो पर डे डाटा यूसेज आपको इसमें शो करेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरा आज का यूसेज। इस रूम में आपको एक एक्स्ट्रा ऐप देखने को मिल जाता है, जो कि पोको पार्ट्स के नाम से, यहाँ पर आप डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो, काफ़ी सारे आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, और प्री इंस्टॉल आपको काफ़ी सारे प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अदर रूम्स में देखने को फिलहाल तो नहीं मिलता। अगर बात करें सेटिंग्स की, तो आपको इसमें सेटिंग्स के आइकॉन्स कुछ अलग देखने को मिल जाते हैं, बाकी आपको स्मूथनेस इस रूम में अच्छी देखने को मिलती है। बाकी बात करें नेटवर्क एंड इंटरनेट में, तो वोल्टी वीडियो कॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको वोल्टी वीडियो कॉल काम कर रहा है। अगर हम बात करें नीचे बैटरी सेटिंग में, तो बैटरी सेटिंग में आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है परफॉर्मेंस मोड। तो ये कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता, पर अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, मैंने टेस्ट करा तो मुझे ये ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं लगा। उसके बाद आपको मिल जाता है मच अवेटेड फीचर, जो कि थर्मल प्रोफाइल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गेमिंग करते टाइम आप इसको गेमिंग पे या फिर बेंचमार्क पे सेट कर सकते हो। बाकी बैटरी यूसेज के बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा। रोम के कस्टमाइजेशन की बात करें, तो आपको इस रोम में कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलते। फिलहाल बात करें साउंड आउटपुट की, तो आपको इसमें साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है रोम में, आपको डॉल्बी एटमॉस यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें डिस्प्ले सेटिंग में, तो इसमें आपको बेसिक सभी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फिलहाल बात करें डार्क मोड की, तो आपको इसमें नॉर्मल गूगल का डार्क मोड देखने को मिल जाएगा, पिच ब्लैक आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। नीचे आपको रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन, पॉकेट मोड, एम्बिएंट डिस्प्ले, डबल टैप टू वेकअप, और पर ऐप रिफ्रेश रेट वगैरह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स की, तो आपको इसमें नीचे मिल जाता है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स के ऑप्शन पर आपको डार्क थीम थीम आइकन देखने को मिल जाता है। बात करें ऐप ग्रिड की, तो इसमें आपको नॉर्मल मैक्सिमम 5x5 का ऐप ग्रिड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी की, तो आपको इसमें फिंगरप्रिंट, पैटर्न लॉक और फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिलहाल इसमें ऐप लॉक का फीचर गायब है, जो कि काफ़ी अच्छा होता अगर आपको इसमें ऐप लॉक का भी फीचर देखने को मिलता। नेक्स्ट हम बात करें सिस्टम सेटिंग में, आपको इसमें सभी बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। बात करें जेस्चर की, तो आपको इसमें नॉर्मल सभी जेस्चर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इसमें एडवांस रीस्टार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बेंच मार्किंग सेक्शन में, तो सबसे पहले देख लेते हैं गीक बेंच स्कोर। तो इसमें मैंने गीक बेंच दो बार रन करा, एक बार परफॉर्मेंस मोड में, एक बार बिना परफॉर्मेंस मोड में। तो देख सकते हो बिना परफॉर्मेंस मोड में स्कोर्स कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें आपको बिना परफॉर्मेंस मोड की, तो इसमें भी आपको थोड़े से स्कोर ड्रॉप हुए हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि परफॉर्मेंस मोड आपको कुछ ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता। आगे हम बात करें N22 की, तो स्कोर्स देख सकते हो आपको 7 लाख के अराउंड स्कोर्स आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं।
अगर हम बात करें टेम्परेचर राइज की तो देख सकते हो आपको मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस गया, आपको 9 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ। बाकी बैटरी ड्रॉप आप देख सकते हो 5% बैटरी ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोरेज टेस्ट की तो देख सकते हो लगभग इसमें स्कोर आपको 37,000 के अराउंड आया, जो कि ठीक ठाक आए हैं। इमेंसिटी कर्नल से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बाकी कोई अगर आप अदर कर्नल यूज़ करना चाहो तो यूज कर सकते हो, स्टोरेज रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोम के कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हो आपको इसमें प्री इंस्टॉल ऐप कुछ इतने सारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट म्यूजिक ऐप देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कैमरे की तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस रूम में दो कैमरे देखने को मिलता है। पहला कैमरा आपको ग्रेफिनो इसका कैमरा देखने को मिलता है, दूसरा आपको जीकैम 8.1 देखने को मिलता है। बाकी प्री इंस्टॉल ऐप आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बात करें सेफ्टीनेट की तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस रूम में सेफ्टीनेट पास देखने को मिलता है और आपको इसमें प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें DRM इन्फो की तो आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वाइड वन L1 देखने को मिल जाता है। तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम आप HD वगैरह में देख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको इसमें गूगल फोटोज़ का अनलिमिटेड स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रिंगटोन और नोटिफिकेशन टोन सेट नहीं होगा, तो आप इसको रोम फ्लैश करने के तुरंत बाद ही सेट कर लेना। बाकी स्कोर्स आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बता ही दिए। बात करें रोम के अबाउट सेक्शन में तो एंड्रॉइड 12 LP बेस्ड आपको रोम मिल जाता है। आपको इसमें मार्च का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, इमेंसिटी कर्नल आपको देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पैच आपको थोड़ा पुराना देखने को मिलता है, पर कोई ना कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है, इतना तो चलेगा परफॉर्मेंस के लिए। बाकी अगर बात करें बैटरी की तो आपको इसमें एक्टिव ब्रेन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, 10% के ऊपर ही आपको एक्टिव ब्रेन हमेशा इस रूम में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप कोई अदर कर्नल यूज़ करो तो आपको थोड़ा अच्छा एक्टिव ब्रेन देखने को मिल सकता है। बाकी आइडल रेन इस रूम में काफ़ी अच्छा, लगभग 7 घंटे स्क्रीन ऑफ के बाद 2% पर आवर आइडल रेन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें FPS अनलॉक की तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको 90 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो आपको मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें चार्जिंग स्पीड की तो चार्जिंग स्पीड कभी कभी आपको इसमें स्लो देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको फास्ट देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करें इसमें आपको एड्रीनो का 615 वाले अपडेटेड GPU ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। बात करें CPU थ्रॉटल की तो मैं CPU थ्रॉटल रन करना भूल गया था, तो मैंने ये टेलीग्राम के एक बंदे से लिया है। बाकी देख सकते हो 12 मिनट के CPU थ्रॉटल के बाद 93% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस CPU थ्रॉटल हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैक्सिमम जिफ और एवरेज जिफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस रोम के परफॉर्मेंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देख सकते हो 90 FPS में बूटकैम्प ड्रॉप कर रहा था, एवरेज FPS आप देख सकते हो 85+ मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और जस्टिफाई भी करता है भाई कैफ रोम परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। तो आपको इस रोम में काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तो आप जरूर से ये रोम ट्राई करना, फॉर गेमिंग मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। और टेम्परेचर आप देख सकते हो 45 डिग्री सेल्सियस गया था, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको इसमें कोई फैन वैन यूज़ नहीं कर रहा था, तो गर्मी का दिन है तो भाई इतना टेम्परेचर तो चलेगा। बाकी अगर आप AC या फिर कूलर के अंडर खेलते हो तो आपको और भी अच्छा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के लिए आप ये रोम जरूर से ट्राई कर सकते हो। बाकी चाहो तो आप इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, लाइक कोई परफॉर्मेंस वाला कर्नल वगैरह डाल के भी थोड़े और FPS ज़्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोम के कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो रोम में कुछ ऐसा इशू तो देखने को नहीं मिलता, पर QoS पैनल में आपको कभी कभी लैग देखने को मिल जाता है और कभी कभी आपको ऐप क्लोजिंग एनिमेशन में लैग देखने को मिलता है। बाकी रोम में आपको कुछ मेजर इशू देखने को नहीं मिलता। रोम का ये इनिशियल बिल्ड है, तो इस चीज़ों को फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 1-2 अपडेट बाद ये चीज़ें प्रॉपरली से फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो गाइज इसमें आपको कोई गेमिंग में अंडरक्लॉक का इशू देखने को नहीं मिलता, तो गेमिंग परफॉर्मेंस इस रोम का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई एंड्रॉइड 12 L बेस्ड रोम देख रहे हो गेमिंग के लिए, तो आप ये रोम जरूर से ट्राई कर सकते हो। माइनस इसमें आपको जो QoS पैनल में लैग वगैरह देखने को मिलता है, तो उसको अगर आप इग्नोर करते हो तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें रोम के इंस्टॉलेशन की, तो आपको वही नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने वाला है लाइक अदर एंड्रॉइड 12 L रोम्स। तो अगर आपको फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इंस्टॉलेशन गाइड देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। बाकी अगर हम बात करें फर्मवेयर की, तो आपको इसमें कोई भी फर्मवेयर आप यूज कर सकते हो, ग्लोबल का लेटेस्ट यूज कर सकते हो, चाइना वाला भी फर्मवेयर यूज कर सकते हो। तो सभी फाइल्स का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टॉलेशन गाइड देख के इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज बस इतना ही था वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आपके पास भी मी 11X है या फिर पोको F3 है रोम रिव्यूज के वीडियो आप देखना चाहते हो, तो नेक्स्ट मंथ से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं आपको नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अरे समझने की देरी है, नहीं समझा।